एवरीवन, सो गाइस अभी मैं पहन रही हूँ सॉक्स और आज जाने की तैयारी हो गई है। और टाइम गाइस मिला नहीं क्योंकि थोड़ा पैकिंग वगैरह चल रही थी और थोड़ा काम भी था घर पे, तो काम भी कराना पड़ा। और अभी मैं सॉक्स पहन रही हूँ और मेरा फ़ोन मैंने रखा हुआ ज़मीन पे कि यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा चेंज है। तो गाइस मौसम चेंज के वजह से मेरे घर में आधे से ज़्यादा लोग बीमार हैं। मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मेरे को पहनना है थोड़ा सा अपने लिए अपनी जैकेट लेके जाने की, क्योंकि अभी तो जैकेट की ज़रूरत नहीं है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार हो जाऊँ। और ये मेरा घर है और घर से अब मेरी विदाई है आज, क्योंकि मेरे घर पर आज विदा करने के लिए मेरे घर पर कोई नहीं है, ना मेरी मम्मी है ना पापा है, कोई नहीं है। बुरा तो बहुत लग रहा है पर क्या करें, कई बार इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाता है दोस्तों। और मेरा फोन भी आज साथ नहीं दे रहा है और मैं इसको पहन लेती हूँ। और इसको पहन कर आई थी और इसी को पहन के जा रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा एकदम, मेरा मूड एकदम ऐसा घबराहट हो रही है जैसे रोने का मन कर रहा है। जरा मम्मी नहीं है इस वजह से। सो गाइस ये देखो कान्हा और भाभी और ये मैं और ये है मेरी मौसी, ये भी जा रही है अपने घर। मौसी अपने घर जा रही है, आंटी भी अपने घर जा रही है, मतलब आज ही के दिन सब लोग अपने, मतलब वो अपने घर जा रही घूमने और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो मेरा ये देखे थोड़ा सा ये सामान सामान जो भी है इधर इतना सारा सामान रखा हुआ है और मैं यहाँ बैठी हूँ कि हम यहाँ पे ऑटो रिक्शा के वेट कर रही हूँ जो बैटरी वाला है। और मेरा फ़ोन भी थोड़ा कैसा हो रहा आज। सो गाइस ये देखिए मेरा फोन, ये है मेरा कालू। सब लोग घूम रहे हैं, भाभी भी घूम रही है, सब लोग रेडी है, बस रिक्शे का इंतजार है। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, तो गाइस ये है मेरा बैग, इतना सारा बैग बुक लेके जा रही हूँ, बस सब रखे हुए बाहर, बस हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं जाने की। और ये है मेरी आज की यहाँ से घर से विदा बोलते हैं, विदा करते हैं बेटी को तो बेटी को विदा करने वाले तो मम्मी है नहीं, तो कोई ना भाभी है ना, बस भाभी है, छोटू है, इतना लोया आज इसने, इतना लोया ये थोड़ा दिन में रो पड़ेगा ये इसको तो टच करने में भी डर लगता है कि इसका रोना बंद नहीं होता है कि घंटे। तो आज ये सब जा रहे हैं। अब ये मेरा बाबू इतना बड़ा हो गया, अब जा रहा है बुआ को छोड़ने, दूसरी बार थोड़ा बड़ा होगा, तीसरी बार चलने लायक का हो जाएगा, चौथी बार बोलेगा बुआ मैं खुद ही छोड़ने चलता हूँ, किसी को मत ले जाओ। ओह एक तो ये इतना मच्छर भाई, इतनी मच्छर काटा मेरे को यहाँ पे मेरे फेस पे। और एक तो ये मसूड़े भी बहुत ज़्यादा मेरा दर्द हो रहा है, याद आ गया मेरे को मेरा ब्रश भी छूट गया, तो वैसे मैं ब्रश ले लेती हूँ। और क्योंकि कोई यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई किसी का ब्रश यूज नहीं करता है, तो मैंने अपना ब्रश ले लिया और वहाँ रहेगा तो मैं यूज भी करूँगी और यहाँ रहेगा तो उसको फेंक देंगे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई किसी का ब्रश यूज नहीं करते हैं, किसी का तो छोड़ो मैं खुद नहीं करती किसी का ब्रश यूज, सबको शेयर कर लूँगी ना, मैं शॉप किसी की शेयर करती हूँ ना लेती हूँ और ना ही मैं किसी को देती हूँ, ना ही मैं ब्रश तो कोई किसी का यूज़ करता ही नहीं है। बाय द वे कोई कर लिया अलग बात है। सो हाँ मौसी तुम आओ, तो मौसी आ गई हैं, मौसी ये मौसी हो गई तैयार, अब मौसी जा रही है अपने घर, मौसी ये तैयार मामा है लिए। मसूड़े दर्द हो रहा है इधर का, ऐसे खाना भी नहीं खा पा रही हूँ,
तो गाइस अब यहाँ से बस मैं निकलती हूँ, बस ऑटो का इंतजार। हम यहाँ से निकलने के बाद स्टेशन में शायद ही ब्लॉग बनाऊँ, आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि भैया होंगे साथ में तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, पर ट्रेन में बना लूँगी। तुम इतना रो डालो हमको, अच्छा नहीं लगती हमको। सो रहा नींद आ रही इसको। के उठ गया क्या बेटा? कान्हा इधर देखो बेटा, इधर देखो, आज कान्हा आया मुझे छोड़ने, बुआ जी को छोड़ने आया ना बेटा। कान्हा जी, ओ कान्हा जी, इधर देखो बेटा जी, अभी शो के उठाएगा इसे देखो अभी। अच्छा, जब ये घर से निकला था अभी हम लोग प्लेटफॉर्म में आएगा इस, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी ट्रेन बहुत लेट है और आज थोड़ी सी लेट हो गई है, और अब टाइमिंग भी आप देख सकते हो अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, टाइमिंग भी ब्लर हो रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा। 42, हाँ 16:42 हो रहा है और रेलवे टाइम गाइस। तो अभी हम लोग स्टेशन से, स्टेशन पे ही है क्योंकि ट्रेन यहीं पे आएगी, इधर ही आसपास ही आएगी, या तो आगे तो जाएगी नहीं, जो हमारा बोगी है वी थर्ड है ना, B3 है, मतलब B3 है, तो इसमें है। और सोनी भी आ रही है आगे साइकिल से, तो मेरी सिस्टर भी आ रही है साइकिल से, साइकिल से आ रही है, कान्हा भी आ रहा है, आज मुझे कोई छोड़ने नहीं आएगा। मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, भाभी और मेरी सिस्टर, अभी मेरा भाई गया वो कहीं काम करने, तो अभी वो थोड़ा काम करने गया है, तो आज इतने ही लोग हैं मुझे छोड़ने वाले। आज मेरा कान्हा मुझे छोड़ने आ रहा है, फिर कान्हा बड़ा हो जाएगा फिर कहेगा बुआ चलो मैं अकेले ही छोड़ आता हूँ। तो गाइस इतना सारा मेरे को मच्छर काटा हुआ है ना, मेरा फेस कैसा अजीब सा लग रहा है कैमरे में, वो खेल रहा है तो मेरा कान्हा। कान्हा जी, ओ कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी को बुआ जी बुला रहे हैं। कान्हा जी आप इधर देखो, कान्हा जी इधर देखो, कान्हा जी का फोकस नहीं है, फोकस नहीं है, कान्हा जी किसी को देख रहे हैं बाबू। हाँ अब देखा, अब देखा, मतलब जब मैं उसकी तरफ कैमरे करते ना तो वो मेरे को देखेगा नहीं, मेरी सिस्टर भी जिसको जो साइकिल में चला रही थी वो साइकिल नहीं। भैया ये देखो बड़ी, ये छोटी बुआ आ गई, ओ ये देखो अपनी साइकिल आ गई है, जैसा बाबू का स्वेटर वैसे बुआ का साइकिल। सुबह गिनने गिनने बचे थे बुआ जी, अब उधर बना लो इसको दूध। तो गाइस अभी ये देखिए यहाँ पे है और मेरा ना अभी मेरा पता नहीं क्या है, मैंने किसका जूठा खा लिया, मैंने छाले पड़ गए हैं और मेरा फेस कितना अजीब सा लग रहा है। आज मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल ऐसा चेंज कर दिया, तो गाइस आज मैंने अपनी मौसी से अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाया था और तो गाइस अभी हम लोग इधर हैं और अभी ट्रेन आई है, थोड़ा सा लेट है और मेरे ना ये छाले पड़ गए हैं। कौन सा लाया? मैं अजीब सा अड़स से हो रही मेरे को क्या, मेरा और मेरी बहन का सेम हेयर स्टाइल, और मेरी मासी ने सुबह मॉर्निंग में, मासी ने किया था सिस्टर का हेयर स्टाइल, मैंने भी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा ना दिन में इतना नेट वीक चलता है, इतना नेट वीक चलता है कि आज मैं रेडी होने के बाद मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ा क्योंकि रियली नहीं बन पा रही थी, नेट ही नहीं चल रहा था, इतना ज़्यादा मैं परेशान, इतना छत पे गई छत पे भी नहीं चला, घर पे गई घर पे भी नहीं चला, फिर घर के बाहर गई वहाँ पे भी नहीं चला, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं आपको कैसे बताऊँ। चलो यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से निकलने के बाद फिर घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे तो वहाँ तो 5G चलता है मेरे फ़ोन में, तो वहाँ पे अनलिमिटेड 5G चलता है, नो इशू, घर पे वाईफाई है, कोई प्रॉब्लम वहाँ मतलब नेट का कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे मेरा ना पता नहीं क्या 5G यहाँ पे चल नहीं रहा, मेरा एकदम 5G पकड़ ही नहीं रहा, तब दिक्कत हो रही, नहीं तो पहले मेरे पास 4G था, बहुत अच्छा वीडियो बनता था, चाहे जहाँ मर्जी बना लो, अब तो खेतों में भी जाने के बावजूद भी मेरे वीडियोज़ नहीं बनने गए, वीडियो रुक जाता, अपलोड नहीं होता, सुबह का वीडियो शाम को अपलोड होता है, ऐसी दिक्कत है।
तभी मेरी वीडियो कभी रात को 11 बजे आ रही है, कभी 9 बजे आ रही है, क्योंकि अपलोडिंग में लगाई हूँ, अपलोड होता नहीं है, नेट इतना दिक्कत देता है। तो ये देखो आसमान कैसा हो गया, एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। एक ही कटोरी लेके आई है। हाँ वो देखो, अभी भैया नहीं आए मेरे, और सास का सफ़र यहीं से है, आपको मैंने दिखाया कौन कौन आया। और अभी मैं अपना ये ब्लैंकेट लेके जा रही हूँ, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जब ट्रेन चलती है, हवा बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि जो मेरा जो सीट है वो स्लीपर सीट है, बट वो विंडो के साइड में ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है रात को, तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, मतलब ट्रेन जब चलती है तो हवा लगता ही है, तो मैं लेके जा रही हूँ, लेके आई थी, लेके जा रही हूँ। और बहुत दुख हो रहा है मेरे को, मेरी मम्मी इस बार नहीं, पिछली बार भी नहीं आई थी, इस बार भी नहीं आई, मम्मी बीमार हैं, रो भी बहुत रही थी फ़ोन में, क्या करें। चलो कोई ना, अभी आना ही है मुझे, अभी पिछले महीने फिर आना है, अभी मेरे ये कान्हा जी का मुंडन है ना, कान्हा जी का मुंडन होगा ना, कान्हा जी का मुंडन है ना, पैसा रख लो सब देखो नहीं चाहिए, ये ले लो, हम कान्हा जी, ये कान्हा जी तुम लो हमारी तरफ से हैं, दे दी थी इसको, ना ना नहीं, नहीं कान्हा जी हम दे रहे हैं ना, कान्हा तुम हमको दे दी ना पैसे, हम अपना कान अब नहीं चाहिए इसको, ये क्या करेगा अभी का, इसको कौन सा पैसे, कान्हा जी हमारा डायपर पहनेगा। मेरी बुआ जी की, मेरी भाभी कहती ये अभी इतना छोटा है क्या करेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये अपना डायपर पहनेगा कोई ना, बुआ दे रही कुछ तो इसको यूज आएगा, खा रहा है देखो, देखो खा रहा है, मुंडन होगा फिर हम लोग आएंगे, उड़ी जा रही पैसा, और फिर नहीं चाहिए हमको, अरे पकड़ो, अरे तुम पकड़ो यार, बाबू बाबू रहने, छोटे हैं तो तुम हमारे साथ चलो, तो अभी आएंगे पूरी फैमिली के साथ गाइस, तो भी हम लोग जाएंगे, और अभी हमें सिस्टर लाई है समोसा, खाए को समोसा खा लियो, तो गाइस वीडियो में बने रहें और देखते रहें, जब ट्रेन आ जाएगी बैठ जाएंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं खूब सारे, अभी मैं अपने भाभी के साथ जो भी टाइम बचा है उनके साथ थोड़ा सा टाइम देते हैं, और बस ऐसी है अपनी लाइफ, तो गाइस बने रहें, एक ही तो नाम का दीजिए, बोल देते ना तीन, चलती हूँ चलती हूँ चलती हूँ, ये है समोसे गाइस, तो समोसे खाना तो खाइए, मेरी बहन लाई है, गाइस बने रहें आप लोग, ऐसे रो रहा है काना, उधर पीछे गैया ले जाएगी बाबू को ले जाएगी, फाइनल
हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जय श्री राम। सो गाइस, कल जैसे कि मैं आ गई थी अपने घर चंडीगढ़, और एक्चुअली गाइस मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, स्टेशन पे बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। रीजन्स बताती हूँ आपको, रीजन्स ये था कि सुबह 9 बजे थी, मतलब टाइमिंग जो था हमारा उतरने का टाइमिंग था 9 बजे, और ट्रेन ने हमें ट्रेन इतनी लेट थी, 6 घंटे लेट थी, और ट्रेन 4 बजे उतरी, मतलब 4 बजे उतारा हम लोगों को, और चंडीगढ़ स्टेशन आई 4 बजे। और गाइस हम लोग, मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे वॉमिटिंग, जैसे ही मैं उतरी ट्रेन से, उसके बाद थोड़ा ताज़ा हवा लगा मुझे, उसके बाद भी ना मेरे को अचानक से उलझन सी होने लगी, फिर ना मेरे को बहुत वीकनेस लगा, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुई काफ़ी। मैं कल से बहुत ज़्यादा बीमार थी, और पूरा रात बीमार थी, और थकी भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मैं आज आई हूँ अपने शॉप पे, और आज शॉप पे ये ब्लॉग एंड करना था, क्योंकि ब्लॉग आगे का मैंने बनाया नहीं था। तो मैं रीजन्स बता दिया आप लोगों को, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और एक दिन की बीमार से मेरा पूरा जो बोलते हैं लुक एकदम डाउन हो गया, मतलब पूरा चेहरा एकदम बोलते हैं ना एकदम ढल सा गया, मतलब होता ना इंसान बीमार होता तो बहुत ज़्यादा, मतलब कमजोरी के वजह से इंसान हो ही जाता है कई बार। तो आज मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब इतना ज़्यादा मैं कमज़ोरी मुझे हुआ, इतना ज़्यादा है मैं बीमार हुई, और आज शॉप पे आई हूँ क्योंकि अब आज है शिवरात्रि, और शिवरात्रि है तो गई आज शॉप पे थी, और काफ़ी टाइम से शॉप बंद था, 9 डेज हो गए मेरे शॉप को बंद, आज मैंने खोला। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बता देती हूँ, और फाइनली मैं घर पहुँची। उसके बाद बहुत ज़्यादा कल से ऐसा ही हो रहा है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, मतलब बहुत वीकनेस लग रहा है, मतलब होता ना एक बार माइंड में भी कई बार हो जाता है कि यार हमारा, मतलब होता ना कि हमें 5 बजे यहाँ पे जाना है, या 5 बजे कुछ भी आपने सोचा हो अपने माइंड में, और वो चीज़ ना हो, और उस टाइम से भी ओवर से ओवर हो जाए, तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा कि यार इतना लेट, इतना टाइम, फिर एक ही जगह पे, जैसे एक ही जगह पे रह रहे के भी इंसान बोर होता है, और फिर ट्रेन में तो लोग यही सोचते कि यार कितनी जल्दी हमारा घर आए, और हम कितनी जल्दी अपने घर पहुँचे, ठीक है। और आप लोगों ने मेरा ट्रेन में भी देखा होगा कि कैसा मेरा फेस हो गया था, मुझे मेरा गला बैठ गया था, मेरे जैसे मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस टाइम भी बीमार होना स्टार्ट हो गई थी, और फाइनली मैं बीमार हो गई थी जब मैं 4 बजे पहुँची, क्योंकि जो दिखा रहा था, जो टाइम ही दिखा रहा था ट्रेन का, कभी पहले 11 बजे दिखाया, 1 बजे पहुँचेगा, फिर 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर सीधा 3:30 हुआ, फिर 4, लास्ट 4 हमें उतारा। और पहली बार ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा लगता है 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे 6 घंटे लेट ट्रेन में आना पड़ा, और जिस ट्रेन में थी ऐसी बोगी थी, ऐसी वाला डब्बा था, और मुझे ये होता है कि मेरे को थोड़ा सा ताज़ा हवा चाहिए, या मेरे को बाहर का हवा चाहिए, और एसी का हवा में, एसी के हवा में मैं रहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और वही हुआ मेरे साथ, तो मैं बीमार हो गई थी। और आज मैं आई हूँ, आज शिवरात्रि है, तो आज मेरे महादेव का जो है दिन है, तो आज सब लोग शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, और मैं इतना ज़्यादा बीमार हो कि मैं जल भी नहीं चढ़ा पाई, क्या बताऊँ गाइस, हो जाता है कई बार, बोलते हैं ना आप कुछ भी सोचो वो टाइम पे होना नहीं है, उससे उल्टा हो जाता आपके साथ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैं अभी थोड़ी सी ठीक हूँ, और अपनी शॉप पे बैठी हूँ, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें करती हूँ, और बस गाइस यहीं तक ब्लॉग था मेरा, यहीं से समाप्त करती हूँ, और मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा गाइस। और इस बार का जो मेरा घर जाने का जो डिसीजन था, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब था, या कुछ भी था, क्योंकि इस बार घर पे सभी लोग जिस हिसाब से बीमार हुए, अभी तक तो कोई ठीक नहीं हुआ, मुझे भी टेंशन पड़ी है, मैं भी बीमार ही हूँ, मतलब मैं सोच के बीमार हो रही हूँ कि मेरे घर में ऐसा क्या हो गया कि सब लोग बीमार हो गए। कोई कह रहा मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मैं गांव जाने से पहले मैं भी बीमार थी, 1 हफ्ते मैं भी बीमार थी, मुझे भी कोल्ड था,
काफी कोल्ड था, फीवर भी आ रही थी और मतलब काफी पैरों में मतलब पूरी बॉडी पेन हो रही थी। तो मेरा ठीक हुआ, फिर मैं गांव गई, गांव में देखा सब लोग बीमार हुए, बहुत लोग ऐसा है, बहुत लोग अभी 99% लोग जो मौसम है मौसम की वजह से बीमार हो रहे हैं, पता ही नहीं। इतना सारा मेडिसिन, इतना सारा चीज़ें कर चुके हैं, देख खा चुके हैं, ठीक नहीं हो रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है गाइस। तो गाइस यहीं से रखती हूँ मैं अपना ब्लॉग, समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जो भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है अब तक आता रहे। और प्लीज़ 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 खूब सारा प्यार जो मुझे यार गाइस सब लोग प्लीज़ दीजिए। और आज मैंने अपने शॉप पे इतना सारा सामान सामान सेट किया, अभी बहुत सारा सामान अभी शॉप पे डलाना है क्योंकि अभी नई शॉप है, तो हम लोग बहुत सारा सामान बहुत सारा चीज़ें आ गया, आपको पता ही है। बाय।